ये इनका खाना आ गया और बहुत ही मज़े का मटन कोरमा। आज मैं एक रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ जो तंदूर के नाम से यहाँ पर है। हमारे कराची के कुछ लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत टाइम से ओपन किया हुआ है और वो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ और साथ में मैं कभी कभार जाता हूँ वहाँ खाना खाने के लिए। तो आज संडे था इसलिए ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा वहाँ पर जा कर खाना खाता हूँ। और फाइनली मैं ये रेस्टोरेंट के सामने पहुंच आया हूं और आप भी देख सकते हैं सामने। अभी ये बंद है, तकरीबन और 10-15 मिनट के बाद ओपन करेंगे। और ये वाला इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जितने भी फर्नीचर है या कोई भी चीज़ है बहुत ही ज़्यादा वज़नी है। यहाँ की लकड़ी पता नहीं कुछ इस तरह की है, मुझे तो कुछ खास समझ नहीं है इसके, लेकिन हर चीज़ बहुत भारी नज़र आती है क्योंकि ये सब चीज़ें अरबी स्टाइल में बनाई हुई हैं। ये इनका सेकंड फ्लोर है। अभी ये इनकी टाइमिंग है सुबह, तो नहीं, ये सेकंड टाइम 1 o'clock ओपन होता है और रात को फिर तकरीबन 10-11 बजे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं है, डिनर और लंच मिलता है।
तो इनके इसी तरह के और भी एक दो रेस्टोरेंट हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का टेस्ट है खानों का। अभी इनने सुबह ओपन किया तो मैं आ गया हूँ, पहला क्लाइंट मैं ही था और खाने अभी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे मतलब का तो खाना इतना यहाँ पे मिलता नहीं है, इनके ही बस रेस्टोरेंट है कोई तीन चार और हलाल फूड यहाँ पे ही मिल सकता है। ये जी इनका मेन्यू है, इसकी मैं तस्वीरें भी अपलोड कर दूंगा और अगर किसी को कुछ भी खाना है तो यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे तकरीबन आपको हलाल फूड मिल जाएगा, मेक्सिको में तो बहुत कम ही जगह है। और यहाँ पे ये वाला स्पेस ही है कुछ जो मैं लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये शाम मसाले हैं, तकरीबन हर चीज़ के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोरमा, मटन टिक्का और सब, यानी चना मसाला आल्सो, अचार भी है यहाँ पे। ये वाला रायता और साथ में कुछ स्वीट है जो खाने के साथ देते हैं, यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये। यहाँ पे कुछ बंदे बैठे हुए हैं, मलेशिया से आए हुए हैं यहाँ पे और इन्होंने चाय मसाले का ऑर्डर दिया है। इन लोगों को भी चाय मसाला बहुत पसंद है मेरे ख्याल में। चलो आपको मैं इनका किचन दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पकाने खाने का पूरा इनका जो सिस्टम है यहाँ पे होता है। ये इनका किचन है और ये पूरा ये यहाँ पे आपको पकोड़े और समोसे और ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। ये राज भाई हैं हमारे रांची से और यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, तकरीबन 30-35-40 साल से यहाँ पे, और इनके दो तीन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। और आज मैं आया था यहाँ पे कुछ इनका जो यहाँ का खाना वो तो मैं आता रहता हूँ तकरीबन, लेकिन वीडियो मैंने सोचा आज बना लूँ। यहाँ पे इनके तीन रेस्टोरेंट हैं और मैं यहाँ पलंको में आया हूँ और इसका जो टाइम टेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से टाइम में ये ओपन होता है। ये मेरे घर के पास ही है तकरीबन। अब तो यहाँ के लोग भी हमारा खाना बनाना सीख गए हैं। ये इनका खाना आ गया और बहुत ही मज़े का मटन कोरमा और साथ में यहाँ पे नान है जो। खाना खा लिया, अभी घर जाने लगा हूँ। खाना यहाँ का बहुत मज़े का, आप भी आके ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा।